हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज हम बहुत टाइम के बाद स्किन केयर के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। तो गाइज, यहाँ पर मेरे पास है एलोवेरा जेल। यू नो दैट कि अभी विंटर सीजन जा रहा है और समर सीजन आने वाला है, कुछ मिडिल वाला टाइम चल रहा है। तो इस टाइम पर क्या होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है सनबर्न की, एंड सन से जो भी मुझे प्रॉब्लम्स होती है वो मेरे को दोबारा से बहुत ज़्यादा होने लगती है। होती तो मुझे विंटर में भी है, बट विंटर में थोड़ी कम हो जाती है एंड समर सीज़न में बहुत ज़्यादा होती है। और कल ही का दिन है, कल मैं शूट के लिए गई थी एंड मुझे इतना ज़्यादा रेडनेस हो गई थी मेरे फेस पर, स्पेशली मेरा जो फॉरहेड एरिया होता है वहाँ, मेरे यहाँ नेक पर, काफ़ी ज़्यादा मुझे रेडनेस हो जाती है। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड इस टाइम पर मुझे इनफैक्ट मेरा क्या है कि मैं पूरे साल एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। विंटर सीज़न में तो फिर भी ये हो जाता है, चलो कभी कभी छोड़ देती हूँ, बट समर सीज़न में मैं एलोवेरा जेल के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। तो गाइस, आज मेरे पास यहाँ पर है वाओ स्किन साइंस का एलोवेरा जेल। इस ब्रांड के बारे में तो आपने पहले सुना ही होगा, काफ़ी फेमस ब्रांड है। इस ब्रांड के बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, हर तरह के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आप चाहे तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर सकते हैं। इस ब्रांड की जो भी डिटेल है प्लस इस प्रोडक्ट की जो भी डिटेल्स है वो सारी की सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लेना। सो गाइस, अब बात करते हैं इस एलोवेरा जेल के बारे में। तो पहले भी मैं इस ब्रांड का जो एलोवेरा जेल है वो ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, और पहले जो इनका बॉटल आता था वो डिफरेंट टाइप का आता था, डिफरेंट पैकेजिंग होती थी, अब डिफरेंट पैकेजिंग है और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, बहुत ईजी टू यूज़ है और मुझे काफ़ी सही लगी इसकी पैकेजिंग। बिकॉज सबसे पहले तो ये पंप वाली बॉटल है एंड इसके अंदर जो है ना सेफ्टी लॉक दे रखा है। क्या होता है कि कई बार ना घर में बच्चे होते हैं, वो एकदम से पुश कर देते हैं और उसके बाद ना पूरे का पूरा जो प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाता है, बट यहाँ पर सेफ्टी लॉक दे रखा है। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आपका बच्चा इसे पुश कर भी देता है तो प्रोडक्ट आपका वेस्ट नहीं होगा, सही से आप यूटिलाइज कर सकते हो उसको और वेस्टेज नहीं होगी, सबसे अच्छी बात ये है। और अब बात करते हैं गाइज इस प्रोडक्ट के बारे में। तो गाइज, सबसे पहले तो ये जो एलोवेरा जेल है गाइज, ये मल्टीपर्पज़ यूज़ है इसका, आप इसको बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, अपने स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए, इनफैक्ट आप बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जिनके बारे में आज हम इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, 99% प्योर एलोवेरा जेल है एंड इसमें नो पैराबेंस है, नो सिलिकॉन है, मिनरल ऑयल, कलर, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस कुछ भी नहीं है। बिकॉज मैंने इसको यूटिलाइज किया है एंड मैंने अभी आपको बताया कि कल मैं गई थी शूट के लिए एंड मेरी बहुत बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई थी, एंड इसको लगाने के बाद गई मुझे बहुत बहुत ज़्यादा काम फील हुआ, बहुत ज़्यादा सूट फील हुआ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। कल से लेके आज तक बहुत डिफरेंस है मेरी उस प्रॉब्लम में, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये ऑल स्किन टाइप के लिए है एंड ऑल हेयर टाइप के लिए है, हर कोई इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है। अब बात करते हैं गाइस इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो ये जो बॉटल है ना गाइस, इसके ऊपर पीछे की साइड में ना बहुत सारे इसके बेनिफिट दे रखे हैं कि आप इसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस किस प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर वीडियो में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है, ये तो खैर आप सभी जानते हैं कि जो एलोवेरा जेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड होता है और आपकी जो स्किन है उसको हमेशा हाइड्रेट रखता है, इसलिए मैं इसको समर सीजन में बहुत बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करती हूँ। मैं एक दिन में एक बार नहीं लगाती, मैं कई बार यूटिलाइज करती हूँ, बिकॉज ये स्किन को हाइड्रेट रखता है और समर सीजन में हमें बहुत बहुत ज़्यादा हमारी स्किन को नीड होती है कि हमारी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहे। और ये बालों के लिए, स्किन के लिए, दोनों के लिए अच्छा है, तो आप दोनों के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर हाइड्रेशन। तो अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट है। सो गाइस, ये जो एलोवेरा जेल है ये स्क्रब के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप इसको एज अ स्क्रब यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक स्पून एक चम्मच जो है आपको एलोवेरा जेल लेना है, एक चम्मच आपको चीनी लेनी है एंड दोनों को आप मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप अपने फेस की स्किन को प्लस अपने बॉडी की स्किन को स्क्रब कर सकते हैं एंड ये जो है आपकी जो डेड स्किन है उसको रिमूव करने का काम करेगा। इसके अलावा गाइस, ये जो है सनबर्न, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अभी कल ही मुझे प्रॉब्लम हुई थी एंड इसने बहुत अच्छा वर्क किया है,
है, तो अगर आपको भी धूप से कोई प्रॉब्लम है या स्किन रेड हो जाती है, कोई भी सनबर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज मेरी जो स्किन है वो बहुत बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट है गाइज, ये एंटी एजिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसको पूरी रात लाइक आप लगा करके छोड़ दीजिए, एंड इससे जो है एंटी एजिंग में भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। उसके अलावा अगर आपकी क्रैक्ड हील्स है, लाइक आपके एड़ियाँ वगैरह जगह फट गई हैं, तो आप उसके लिए भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपको इसको पूरी रात लगा छोड़ देना है, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप इसको वॉश कर लीजिए, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद ये जो रफ़ स्किन होती है गाइज, लाइक आपकी एल्बो की स्किन हो गई, आपकी नीज़ की स्किन हो गई, वहाँ की स्किन क्या होता है कि कई बार हमारी बहुत बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, तो उस स्किन को अगर आप सॉफ्ट करना चाहते हैं तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा वर्क करेगा उस केस में भी। इसके अलावा गाइज, ये जो है ये हमारे स्कैल्प, लाइक हमारे बालों में, जैसे कि अभी मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया कि ये जो है हाइड्रेशन बहुत अच्छा करता है, हाइड्रेट करने का काम करता है हमारी स्किन को, हमारे हेयर को, तो ये लाइक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर भी है, आपकी स्किन को भी प्लस आपके बालों को भी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। तो आपको करना ये है, इसके लिए आपको रात को बालों में इसको लगा करके छोड़ देना है, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप इसको शैम्पू कर लीजिए, देन आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, स्मूथ होंगे, एंड साथ ही हाइड्रेट भी होंगे, मॉइस्चराइज भी होंगे, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा गाइज, अगर आप शेविंग वगैरह करते हैं, लाइक शेव कर रहे हैं, या फिर अपनी स्किन को, या फिर आप लाइक हेयर्स रिमूव कर रहे हैं, या वैक्स वगैरह भी कर रहे हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद स्किन जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाती है, बर्न होने लगती है, जलन होने लगती है, छोटे मोटे कट भी लग जाते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं आफ्टर वैक्सिंग। तो अगर आपको आफ्टर वैक्सिंग, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप वैक्सिंग कर रहे हो, शेव कर रहे हो, अपने बाल रिमूव कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो उसके बाद आपको एलोवेरा जेल जरूर लगाना चाहिए, ताकि वो आपकी जो स्किन है उसको रिपेयर भी करे, अगर उसमें कुछ कट लग गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई रेडनेस हो गई, तो उसको रिपेयर भी करेगी वो, और साथ ही साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और मैं ये चीज़ तो मैं हमेशा करती हूँ, लाइक मैं जब भी अपने हेयर्स रिमूव करती हूँ, मैं हमेशा एलोवेरा जेल ज़रूर यूटिलाइज करती हूँ। तो मैं आपको भी ये चीज़ रिकमेंड करूँगी कि जब आप लाइक कभी भी आप हेयर्स रिमूव करते हैं अपने बॉडी के, तो आपको भी एलोवेरा जेल जरूर यूटिलाइज करना चाहिए, इससे आपकी स्किन को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो गाइज, ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपकी आपकी हेल्प करेंगे आपकी स्किन को, प्लस आपके हेयर को ठीक करने में, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो गाइज, अब बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमें कितने रुपए में कितना मिलता है। सो गाइज, ये जो प्रोडक्ट है ये हमें 500 ml मिलता है, और इसका जो प्राइस दे रखा है गाइज वो है 799, बट इतना प्राइस में नहीं, आपको लाइक ऑफर्स वगैरह ना हमेशा चलते ही रहते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपको इससे भी कम में मिल जाएगा, एंड इतना सारा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, 500 ml काफ़ी होता है गाइज। सो गाइज, आई होप आपको वो सारे के सारे जो भी आपके डाउट्स थे एंड जो भी आपकी चीज़ें थी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड इसके अलावा इनकी जो वेबसाइट है वो वहाँ पर जाके भी आप सारी चीज़ें रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी सारी चीज़ें दे रखी हैं, देन आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।